दोस्तों एक अनप्लान्ड वीडियो है, पर फाइनली आज हम डिस्कस करने वाले कौन सा प्लेटफॉर्म ज़्यादा बेहतर है, यूट्यूब या फिर टिकटॉक। तो यहाँ पे मैं किसी ऐसा रोस्टर नहीं कर रहा हूँ ये। चलिए तो कंपैरिजन जो हम करने वाले हैं दो तरह से करेंगे, पहला एज अ व्यूअर और दूसरा एज अ क्रिएटर। तो यहाँ पे मैं दोनों तरीके से चार क्लासिफिकेशंस यूज़ करने वाला हूँ। तो एज अ व्यूअर में पहला क्लासिफिकेशन है टेस्ट ऑफ वॉचिंग। सबका टेस्ट ऑफ वॉचिंग अलग होता है। यूट्यूब पे आप न्यूज़, मूवीज, फनी वीडियोस, एजुकेशनल वीडियोस, व्लॉग्स, रिव्यूज, एंटरटेनमेंट वीडियोस, ट्यूटोरियल्स, मोटिवेशनल वीडियोस सब देखते हो। टिकटॉक पे भी आपको ऐसी कई वीडियोस मिल जाएंगे, पर ये आपको हाफ मिलते हैं, कह सकते हैं क्लिप मिलती है आपको ही, या फिर एक स्मॉल पार्ट जो आपको अगर पूरा देखना पड़े तो आप यूट्यूब पे जाओगे। पर YouTube पे आपको कुछ क्लिप्स ऐसी भी होती हैं जो आप शायद ना देखो कभी, पर TikTok पे अगर आपके सामने वो आ गई तो आपको देखना पड़ेगा। बात करते हैं चॉइस टू वॉच। मैं इसी की बात कर रहा था कि YouTube पे बहुत सी वैरायटी ऑफ कंटेंट है जो आपको रिकमेंड करता है YouTube आपके टेस्ट के हिसाब से या जो आप देखते हो कंटेंट उसके हिसाब से। पर TikTok पे आपको यहाँ पे ऐसी कोई चॉइस नहीं मिलती, जो भी आपके सामने आता है आपको देखना ही पड़ेगा। YouTube पे आप कोई भी कंटेंट सर्च कर सकते हो आसानी से उसके नाम के द्वारा या फिर क्रिएटर के नाम के थ्रू, एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेके, हैशटैग को लेके, या फिर किसी रेफरेंस को यूज़ करके। फॉर एग्जांपल अगर मैं YouTube पे सर्च करता हूँ मार्वल, तो मार्वल के कुछ कैरेक्टर वीडियोस आ सकते हैं, हो सकता है ट्रेलर आ जाए, हो सकता है कोई क्लिप आ जाए, कोई बैटल सीन आ जाए। पर टिकटॉक पर मैं डालता हूँ मार्वल, तो अगर जिस क्रिएटर के नाम में मार्वल होगा या फिर या साउंड ट्रैक में मार्वल होगा या आप कह सकते हैं किसी हैशटैग मार्वल यूज किया होगा तभी मेरे को उसका वीडियो मिलेगा। अब बात करते हैं लेंथ और लाइव स्ट्रीम्स की। यूट्यूब पे आपकी वीडियो की लेंथ फिक्स नहीं होती, पर टिकटॉक पे मिनिमम 2 सेकेंड और मैक्सिमम आपका 1 मिनट, इससे ज़्यादा टिकटॉक पे आपकी वीडियो नहीं रह सकती। बात करते हैं लाइव स्ट्रीमिंग की। सो यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीमिंग फीचर सबको अवेलेबल मिलता है जिनके भी 1000+ सब्सक्राइबर्स होते हैं, पर टिकटॉक पे सबको नहीं मिलता है, एक कह सकते हैं पॉपुलर क्रिएटर्स को ही मिलता है। तो यहाँ पे कई केस आए हैं ऐसे जहाँ पे कुछ यूजर्स के जो है 1000+ सब्सक्राइबर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, तो भी उनको लाइव स्ट्रीमिंग फीचर मिल गया, पर कुछ के 5000 या 50000+ हैं उनको अभी भी नहीं मिला है। तो ये टिकटॉक के ऊपर है, वो आपको दे सकता है। तो बात करें ट्रेंड्स की, तो यूट्यूब ट्रेंड्स बेसिकली जो होते हैं वो आपके व्यूज़ और वॉच टाइम पे बेस्ड होते हैं, पर टिकटॉक ट्रेंडिंग जो होती है वो आपके लाइक्स, शेयर्स और कमेंट्स, मतलब कह सकते हैं इंगेजमेंट के ऊपर रहती है। यूट्यूब पे जो ट्रेंडिंग लिस्ट है वो क्लासिफाइड है मूवीज, म्यूजिक, न्यूज, स्पोर्ट्स और गेमिंग में, पर टिकटॉक पे क्लासिफिकेशन जो है वो हैशटैग के बेसिस पर होते हैं। ट्रेंडिंग हैशटैग जितने ज़्यादा हैं उनके हिसाब से आपका वीडियो क्लासीफाई होगा। तो यहाँ पर कह सकते हैं कोई प्रॉपर क्लासिफिकेशन नहीं है टिकटॉक में। अब बात करते हैं एज अ क्रिएटर ग्रोथ एंड एंगेजमेंट। अगर आप कोई वीडियो बनाते हैं तो बेसिकली सबसे पहले आप देखोगे उसकी ग्रोथ क्या है, क्या स्कोप है उसको व्यूअर्स तक पहुंचाने का। यूट्यूब पे आपको स्कोप मिलता है, क्योंकि तो मान लीजिए आप अपना वीडियो डालते हैं वो आज नहीं चला, पर ये चांसेस हैं कि वो 1 साल बाद चलेगा या 2 साल बाद, उसमें कुछ ना कुछ भले ही 1 व्यू आए पर आ सकता है। टिकटॉक पे ऐसा नहीं है, अगर आपका वीडियो अभी चलता है तो ठीक है, आप लॉन्ग टर्म में नहीं बोल सकते कि उसमें बहुत व्यूज आ सकते हैं। अब बात करते हैं एनालिटिक्स की, ये बहुत ज़रूरी होता है एज ए क्रिएटर आपके लिए। तो यूट्यूब के जो एनालिटिक्स होते हैं बहुत ही ब्रीफ रहते हैं, आपको अपनी कहाँ से आपका व्यूअरशिप आ रही है, कैसे आ रही है आपको पता रहता है, पर टिकटॉक में आपकी व्यूअरशिप डिपेंड नहीं करती कहीं पे सी, बहुत ही शॉर्ट एनालिटिक्स रहता है, आप समझ भी नहीं पाओगे उस एनालिटिक्स को। अब यूट्यूब में सब्सक्राइबर अकाउंट बहुत मैटर करता है, क्योंकि तो जितना सब्सक्राइबर्स आप कह सकते हो उसका कुछ परसेंटेज व्यूअर्स आपके परमानेंट रहते हैं, मतलब इन तक वीडियो पहुंचती है, इंप्रेशन पहुंचता है और ये देखते हैं आपका वीडियो। पर टिकटॉक पे ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो बंदा आपको फॉलो कर रहा हो उस तक आपकी वीडियो पहुंचे। टिकटॉक पे ग्रोथ जो रहती है मोस्टली सडन रहती है, पर यूट्यूब पे ग्रोथ रेगुलर भी हो सकती है, सडन भी हो सकती है। रॉयल्टी एंड ओरिजिनलिटी, ये हम सभी जानते हैं यूट्यूब पे मोस्ट ऑफ द कंटेंट ओरिजिनल मिलता है, टिकटॉक पे रॉयल्टी फ्री रहता है, मतलब मोस्टली जो कंटेंट आप टिकटॉक पे डालते हो वो बाय डिफॉल्ट रॉयल्टी फ्री है, पर YouTube पे आपको चॉइस मिलती है आपको ये रॉयल्टी फ्री रखना है या आपको इसकी रॉयल्टी चाहिए। रॉयल्टी कह सकते हैं ओनरशिप, स्टेक ओनरशिप। मान लीजिए आपका कोई वीडियो है,
कोई दूसरा क्रिएटर उसको आपकी बिना परमिशन के यूज़ नहीं कर सकता, पर टिकटॉक पे कोई भी आपका वीडियो कहीं भी कैसे भी यूज़ कर सकता है। तो यहाँ पे ओरिजिनल कंटेंट और रॉयल्टी की वैल्यू रहती है। एज अ क्रिएटर देखें तो यूट्यूब बेटर है, एज अ टिकटॉक देखें, टिकटॉकर देखें तो आपके ऊपर है, नो कमेंट्स। अब बात करें टाइम इन्वेस्टमेंट की, तो एक क्रिएटर में देखा तो यूट्यूब क्रिएटर मोस्टली पहले एक प्लानिंग करता है, स्क्रिप्टिंग होती है, रिकॉर्डिंग होती है, एडिटिंग होती है, अपलोडिंग होती है। अपलोडिंग में भी कई बार वीडियो लंबा जा सकता है GBs में, लेकिन टिकटॉक में ज़्यादा से ज़्यादा 100 MB का वीडियो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा। पर टिकटॉक में आपको जो टाइम रहता है वो सिर्फ साउंड ट्रैक्स और रिकॉर्डिंग में जाता है, और ज़्यादा ज़्यादा एडिटिंग बहुत कम लोग करते हैं। एडिटिंग में भी आप कह सकते हो स्लोमो वगैरह ऐड करना, टिकटॉक में ये सब चीज़ें होती हैं। पर यूट्यूब वीडियो आपको शूट करने में हो सकता है दिन लगें, महीने लगें, और मूवी बनाओ या वेब सीरीज बनाओ तो साल भी लग सकता है, पर टिकटॉक में कुछ घंटों में आपका वीडियो बन सकता है या ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में स्लो मोज पे। बात करते हैं मोनेटाइजेशन की, तो मोनेटाइजेशन यूट्यूब का एक प्रोग्राम है, यूट्यूब पार्टनर्स प्रोग्राम, जिसमें आपके अगर 1000+ सब्सक्राइबर हैं और 4000+ आवर्स का वॉच टाइम है तो आपकी फैसिलिटी मोनेटाइजेशन की मिलती है। पर टिकटॉक पे सिर्फ उन्हीं क्रिएटर्स को मिलती है जो किसी भी तरह से एजुकेट करते हैं। तो इस प्रोग्राम का नाम है टिकटॉक एडुटॉक। तो जो भी क्रिएटर्स इस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, साइन अप किया है उन्हें, सिर्फ उन्हीं को टिकटॉक पे करता है। यूट्यूब पे ब्रांड प्रमोशन स्पॉन्सरशिप्स मिलती हैं, ये बेस्ड रहती हैं आपके व्यूज़ पे, आपके सब्सक्राइबर्स पे। टिकटॉक की स्पॉन्सरशिप कह सकते हैं आपको, टिकटॉक को स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती, आपको जो स्पॉन्सरशिप मिलती है वो आपको किसी दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए मिलती है। क्योंकि आपका अकाउंट अगर एक गलत शब्द या गलत इमेज गलती से भी आपकी वीडियो में दिख गई और उसको कहीं से कहीं जोड़ दिया गया तो आपका अकाउंट बैन भी हो सकता है। जो टिकटॉक के क्रिएटर्स हैं वो टिकटॉक शेयर ना करने के बजाय किसी दूसरे सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम से प्रमोशन, या फिर आप कह सकते हैं एक खुद का यूट्यूब चैनल बनाना, या अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए कमाते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। उम्मीद करता हूँ आपके जो भी डाउट्स हैं टिकटॉक वर्सेज यूट्यूब में वो यहीं पे ख़त्म हो गए होंगे।